सो हाय एवरीवन, आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज फोन को बिना खोले उसका ग्लास चेंज करने वाले हैं। तो आप रिपेयरिंग करते हो या नहीं करते हो तो भी आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग आपको जानने को जरूर मिलेगा। और वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, फोन को सामने की साइड से हीट करना है, हमें खोलना नहीं है फोन को। और सबसे पहले इसका फोल्डर है वो बाहर निकाल लेना है। आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे फोल्डर बाहर निकाल रहा हूँ। भाइयों, ये TFT LCD होती है, तो इस पे हल्का हल्का केरोसिन का यूज करो या ना करो तो अच्छा है। मतलब हल्का हल्का यूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल की LCD बहुत ही हार्ड गैसकेट से चिपकी होती है। तो इसमें हल्का हल्का केरोसिन का यूज आप कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं डालना है। तो चलिए फोल्डर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी कटिंग और इसकी पंचिंग कैसे होने वाली है। और भाइयों, आपको भी अगर मेरे से फोन बनवाना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक मैसेज देखता हूँ और हर एक का रिप्लाई देता हूँ, तो आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे दे दूंगा। तो चलिए, मेरा फोल्डर निकल चुका है और फटाफट इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस पे जो गैसकेट लगी होती है उसको हमें हटा लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हो सेपरेटर पे मैंने फोन को कैसे रखा है, इसी तरीके से रखना है। और नीचे कोई चिमटी या कोई ट्यूजर रख देना है, ताकि फोन हल्का सा ऊपर आ जाए और हमें वायर चलाने की जगह मिल जाए। तो नीचे से आपको बहुत ही सावधानी से वायर चलानी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फिल्म नहीं कटनी चाहिए। और आप एक कोने से अगर काटना स्टार्ट करते हैं तो 99.9% आपका फिल्म नहीं कटेगा। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं हमेशा फोन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो भाइयों, चलिए मेरी LCD कट चुकी है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी पंचिंग कैसे करनी है। और भाइयों, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो फोन के डिस्प्ले का फ्लेक्स और कटिंग करते टाइम फिल्म नहीं कटनी चाहिए, जिसको हम पोलराइजर कहते हैं वो नहीं कटनी चाहिए। और पंच करने से पहले आपको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है और हीटिंग टेप लगा लेना है, मतलब कोई भी टेप लगा लो कैमरे पे, ताकि हमारा कैमरा खराब ना हो। कैमरे में कभी कभी ग्लू चला जाता है, मतलब केरोसिन चला जाता है, उससे खराब हो जाता है। तो उसका ध्यान रखिए और बहुत ही आराम से आपको सफाई करनी है, और बहुत ही अच्छे से सफाई करनी है। फ्रेम साफ कर लेना है, डिस्प्ले साफ कर लेना है अच्छे से, उसके बाद आपको पंचिंग करनी है। तो भाई, मैंने डिस्प्ले को और फ्रेम को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैंने YMZ का जो मोल्ड होता है वो मैंने निकाल लिया है। और इस पे जो थोड़ा हार्ड वाला रबर होता है उसको हटा देते हैं और ब्लैक वाला मैट नीचे रख देते हैं। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, ताकि पंचिंग के टाइम में हमारा फोन जो है वो डैमेज ना हो। और डिस्प्ले और फ्रेम को अच्छे से एक बार और क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस पे ग्लास सेट करना है हमें। डिस्प्ले को ग्लास पे सेट करने के बाद बीच में आपको ऑरेंज वाली मैट डाल देनी है और बहुत ही आराम से इसकी पंचिंग कर देनी है। और आपको इस पे नॉर्मल टाइमिंग पे पंच करनी है, जैसे आप फ्लैट LCD जिस पे पंच मारते हो उसी टाइमिंग पे पंच करनी है। मैं टाइमिंग हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें। और ऐसे पंच करने से डिस्प्ले नहीं टूटती है, तो आप डिस्प्ले टूटने का टेंशन मत लेना। तो चलिए, मेरी LCD पंच हो चुकी है और अब देखते हैं इसमें कितना बबल रह गया है। तो भाइयों, आप देख सकते हो LCD बिल्कुल क्लीन, मतलब हल्के फुल्के बबल है जो 2 मिनट बबल रिमूवर में चलाने से चले जाएंगे। तो फटाफट मैं इसको 2 मिनट चला देता हूँ, उसके बाद आपको फिर से एक बार चेक करा दूंगा। तो भाइयों, आप देख सकते हो डिस्प्ले बिल्कुल ओके और टच भी प्रॉपर काम कर रही है। तो भाइयों, अगर आपको मेरे से फोन बनवाना हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्प्ले बनाते टाइम रिस्क मेरा होता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फोन के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।